Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 13 exercise 13.5 question number 6 and 7. इस चैप्टर में हाँ फोर क्लास नाइन एंड चैप्टर नेम इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. इसमें सॉलिड फिगर से रिलेटेड एरियाज और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए गिवन है. बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए दी गई है. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन विच इज गिवन. अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000. एक गाँव है जिसका पॉपुलेशन 4000 है. रिक्वायर्ड 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे. तब एक दिन में एक आदमी को 150 लीटर पानी की जरूरत होती है. इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 × 15 × 6. मतलब इस मेजरमेंट का एक टैंक है क्यूबॉइडिकल फॉर्म में. फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट. तो उतने लोगों का पानी का खपत को देखते हुए उस टैंक में अगर पानी फुल रहती है तो कितने दिन में पानी जो है वो खत्म हो जाएगी. तो इट मीन्स क्या है कि सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना होगा कि उस एक दिन में कितने लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है. ओके और उस लीटर और हमारा जो जैसे कि अगर हम सपोज दैट जितने लीटर वाटर की ज़रूरत है तो वाटर लीटर के साथ हम मीटर को तो करने सॉल्यूशन नहीं कर सकते. तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वो जो लीटर की रिक्वायरमेंट है उसे हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे विच इज़ डिवाइडेड बाई 1000. सबसे पहले तो एक दिन में यानी कि 4000 × 150 एंड अपॉन में 1000 है ना, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर इस टैंक की जो वॉल्यूम है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट. रिक्वायर्ड वाटर फॉर पर डे. टोटल रिक्वायर्ड वाटर है ना, क्योंकि टोटल रिक्वायर्ड वाटर पर डे इक्वल टू 4000 × 150 liters. ओके एंड फिर ये क्या हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ, तो क्या होगा मेजरमेंट ऑफ टैंक जो कि गिवन है 20 × 50 × 6. नंबर ऑफ डेज, हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करनी है. तो वॉल्यूम है ना, इससे डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन में टोटल रिक्वायर्ड वाटर. टोटल रिक्वायर्ड वाटर वॉल्यूम क्या हो गया 20 × 15 × 6 अपॉन में 4000 × 150. अभी मैंने कहा था ना कि क्या करेंगे, ये क्या है आपका लीटर में, बट हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीपल कर देंगे. नाउ 20 × 15 × 6 × 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो है वो 4000 × 150, ये 302 कैंसल हो गए. ओके एंड 10 × 10 यहाँ कैंसिल हो गए. 15 × 15 यहाँ कैंसिल हो गए. 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = 6. तो वाटर ऑफ दिस टैंक, वाटर ऑफ दिस टैंक, दिस टैंक विल बी लास्ट इन 3 days है ना. 3 दिन में वो जो पानी उस टैंक में जितने भी वाटर हैं उस टैंक का वाटर जो है वो क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा.
तो इस तरीका से हमने फाइंड किया। सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पानी है यानी वो जो लीटर में है, और हमें सबसे पहले उस लीटर वाले पानी को, लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि लीटर और मीटर कभी भी दो यूनिट को एक साथ हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। यूनिट को सेम करना बहुत जरूरी होता है, जब तक यूनिट सेम नहीं होंगे तब तक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ गोडाउन मेजर 40 मीटर मल्टीपल 25 मीटर मल्टीपल 10 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स इच मेजरिंग 1.5 मीटर मल्टीपल 1.25 मीटर मल्टीपल 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन गोडाउन। मतलब कि एक गोडाउन है, बड़ा गोडाउन है, उस गोडाउन की मेजरमेंट आपका ये है ना, और इस गोडाउन में हमें कैरेट्स रखने हैं इस मेजरमेंट की, तो कितने नंबर ऑफ कैरेट्स आएंगे, बहुत ही इजी है ना। तो सबसे पहले फाइंड लिखेंगे क्या, मेजर ऑफ गोडाउन इक्वल टू 40 मीटर मल्टीपल 25 मीटर मल्टीपल 10 मीटर, एंड सिमिलरली मेजर ऑफ कैरेट्स इक्वल टू 1.5 मीटर मल्टीपल 1.25 मीटर मल्टीपल 0.5 मीटर। देयरफॉर नंबर ऑफ कैरेट्स कैन बी स्टोर्ड इक्वल टू क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कैरेट्स विच इज 40 मीटर 25 मल्टीपल 10 अपॉन में 1.5 मल्टीपल 1.25 मल्टीपल 0.5। ओके, इन सबको जब मल्टीपल करोगे तो वो आएगा 15,000, एंड अपॉन में जब इन्हें मल्टीपल करोगे तो आएगा 0.9375। इन्हें जब डिवाइड करोगे तो आफ्टर डिवाइडेशन वी गेट हियर 16,000 कैरेट्स जो है वो स्टोर्ड किए जाएंगे उस गोडाउन। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।